ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत 5:25 के साथ। थमती जा रही कोरोना की रफ्तार, लगातार चौथे दिन 40,000 से कम आए केस। कारगिल युद्ध के 22 साल पूरे, रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, जवानों की बहादुरी हमें हर दिन देती है प्रेरणा। झारखंड कांग्रेस विधायक का दावा, सरकार गिराने के लिए मिला 1 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर। संसद में मानसून सत्र का से दूसरा हफ्ता, अब तक सिर्फ 4 घंटे हुआ कामकाज। सावन का पहला सोमवार आज, मंदिरों में लगी शिव भक्तों की भीड़। काशी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। 3 जिलों में नए डीएम किए गए तैनात। कानपुर में मसाला व्यापारी की हुई हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अररिया में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, हत्या के बाद शराबी ने खुद को किया घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में हुआ भर्ती। फतेहपुर में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की टक्कर में कई घायल। सोनभद्र में कोविड को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, लोगों से मास्क पहनने की गई अपील। बारह से 17 की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी। 3,732 बच्चों पर स्पाइक वैक्स का ट्रायल। इंफा तूफान की दस्तक से थमा चीन, ट्रेनें रद्द, स्कूल और बाजार बंद करने के आदेश। संबंधों में गतिरोध का चीन ने अमेरिका पर लगाया आरोप, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जारी। नॉर्वे में देर रात तेज आवाज के साथ आकाश से गिरा उल्का पिंड, कुछ हिस्सा ओस्लो से 60 किलोमीटर गिरा। अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटी बिकन 23 जुलाई को आएंगे भारत, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। मानवाधिकार और पेगासस जासूसी केस मुद्दा, मणिपुर सरकार मीराबाई को तोहफे में देगी 1 करोड़ रुपए। वेंटी वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने का इनाम। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने साउथ कोरिया को, साउथ कोरिया से होगा सामना। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी मेडल की होड़ से हुई बाहर, भवानी को फ्रांस की मैनन ब्रूनेट ने 5-7 से हराया। भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 38 रनों से जीता। सूर्य कुमार की 50 और भुवनेश्वर के 4 विकेट ने दिलाई जीत। भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने लहराया तिरंगा, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग में बेलारूस की खिलाड़ी को हराकर जीता गोल्ड। तमिल एक्ट्रेस यशिका आनंद कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल, हाथ और पैर में हुआ फ्रैक्चर, दोस्त ने मौके पर तोड़ा दम। सिद्धार्थ मल्होत्रा, किराया आडवाणी स्टार ऑफ फिल्म शेरशाह का ट्रेलर हुआ रिलीज। भूल भुलैया 2 में तब्बू के अपोजिट नजर आएंगे अमर उपाध्याय, बोले मुझे यकीन है हम दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत आएगी पसंद। कंगना रनौत ने शेयर की धाकड़ एक्शन सीन की झलक, खुद को बताया लड़ाकू नंबर 1।
अनुष्का शर्मा के लिए फोटोग्राफर बने सुनील शेट्टी की बेटी, खूबसूरत तस्वीरें क्लिक कर आतिया शेट्टी ने जीता दिल। भारत 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।